बताइए थोड़ा, कितने और पिकअप की गई? देखिए जी, हमारे डीजीपी साहब दे सानू सदा बहुत सख्त दिशा निर्देश हैंगे कि किसी भी तरह का क्राइम किसी भी फॉर्म च वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। और उन्हीं दिशा निर्देशों के तहत फाजिलका पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसमें फाजिलका पुलिस ने बहुत प्रोएक्टिव होके एक 30 तारीख को जड़ी घटना हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग महिला के ऊपर अटैक हुआ था और लूट की वारदात हुई थी, उसको 24 घंटे से भी कम समय में ना ही उसको ट्रेस किया बल्कि उसमें जितने भी आरोपी थे 5 आरोपी उनको आइडेंटिफाई भी किया और उनको अरेस्ट भी किया। इस पूरी मामले में मैं स्पेशल कमेंडेशन और क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी टीम्स को, विच वर लेड बाय SP ऑपरेशन करण और DSP डी रिशपाल जी, SHO सिटी 1, SHO सिटी 2, CIA इंचार्ज 2 और नारकोटिक सेल इंचार्ज, टेक्निकल सेल इंचार्ज, इन सारे ने बहुत मेहनत की, बहुत 24 घंटे जड़ा हैगा इन्होंने ना ही इनको आइडेंटिफाई किया बल्कि अरेस्ट भी किया। सो यू कैन सी कि इस पूरे मसले को हमने कितनी सीरियसनेस से लिया और 7-8 टीमें हमने इस पूरे मामले में इसमें लगाई। जो मेन इसका दोषी जो है आइडेंटिफाई हुआ वो जो है इन्हीं का विक्टिम फैमिली के घर पे, वो एक मुनीम का काम करता था, उसका नाम था विक्रम एलियास विजय। उसने 11 साल विक्टिम की फैमिली के साथ काम किया और जनवरी में उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाह रहा था। उस चीज़ को लेके उसने जनवरी के बाद पूरे 1.5 से 2 महीने एक प्रॉपर प्लानिंग की। उसने आगे जाके जो है बंदों को के साथ कॉन्टैक्ट किया जिन्होंने फाइनली फिर इस वारदात को अंजाम दिया। इनकी लेवल ऑफ प्लानिंग आप देखिए कि प्लानिंग के साथ साथ इन्होंने 2 मोटरसाइकिल्स पे 2 अलग अलग बंदे भी बिठाए हुए थे जिनका काम था कि वारदात के बाद जो बंदे भागने वाले थे उनको आगे ले जाके एक सेफ जगह पर छोड़ना। तो 2 दोषी इसमें जो है घर में एंटर हुए, उन्होंने जो बुजुर्ग महिला हैं उनके ऊपर अटैक करके उनसे जो सामान खोया था जिसमें एक उनके सोने की टॉप्स थे, जो गले में पहनी हुई चेन थी, उनका मोबाइल था, वो सारा भी हमने बरामद कर लिया है। और क्राइम में प्रयोग हुई जो 2 मोटरसाइकिल्स हैं वो भी रिकवर हो गई हैं। इसके अलावा एक एयर गन जो है वारदात में इस्तेमाल हुई थी जिससे उन बुजुर्ग महिला को के ऊपर अटैक किया गया था, दैट हैज़ ऑल्सो बीन फुली रिकवर्ड। टोटल इसमें 5 दोषी जो अरेस्ट हुए हैं उनके डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। विक्रम सिंह एलियस विक्की, दीपू पुत्र मेनपाल, विक्रम उर्फ विजय, सज्जन सिंह, राजकुमार एलियस टप्पा। तो ये 5 हैं जो कि अरेस्ट हुए हैं। इनमें से 2 जो हैं एक्यूज्ड, इनके ऊपर पहले भी पर्चे हैं। विक्रम सिंह उर्फ विक्की, इसके ऊपर एक FIR नंबर 63 है, 323, 324 एंड द रेलिवेंट सेक्शंस। दीपू के ऊपर ऑलरेडी 2 पर्चे हैं, 457, 380 एंड 379, 411। सो दिस केस हैज़ बीन यू नो कम्प्लीटली ट्रेस्ड एंड आई वुड स्पेसिफिकली कॉमेंट द टीम एंड वी विल ऑल्सो बी सेंडिंग देयर नेम्स फॉर सूटेबल रिवॉर्ड्स। थोड़े राही मैं कॉमन जो साढ़े अबोहर वासी हैं उन्होंने भी मैं दिलों धन्यवाद करना चाहनी है कि उन्होंने पुलिस नू पूरा कोऑपरेट किया, तो जड़ी वाइटल लीड्स सीगियाँ ओदे इच उन्होंने सानू कोऑपरेट किया। रात भर जो हम CCTV कैमराज हमारी अलग अलग टीम्स चेक कर रही थी वो उसमें भी उन्होंने सबने हमें कोऑपरेट किया और जो भी उनके पास लीड्स थी वो रियल टाइम में हमारे साथ शेयर की। इसके साथ ही मैं आप सबके थ्रू अपील भी ये करना चाहूँगी कि जो CCTV कैमरा होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड है किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करने में और इसके साथ साथ डिटेक्ट करने में। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड अपील ऑल द सिटीजन्स कि आपके जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आपके हाउसेज हैं, वहाँ पर कैमराज ज़रूर लगवाएं और उसके ऊपर बोर्ड ज़रूर लगवाएं कि आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं। उससे एक बहुत बड़ा डेटरेंट इफेक्ट होता है। जैसे इस केस में जो एक्यूज्ड हैं उन्होंने 3 से 4 बार पहले विक्टिम के घर की रेकी की और उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आकर फिर उन्होंने घर के अंदर एंट्री की और अटैक किया। सो कैमराज CCTV कैमराज आर अ डेटरेंट विच कैन प्रिवेंट दिस। सेकेंड अपील आई वुड लाइक टू मेक थ्रू यू इज कि आपके घर में जो भी
वर्कर काम कर रहा है, कोई भी नौकर काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराइए। ये आप सबकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम लोग अपनी तरफ से बहुत प्रोएक्टिव होकर आपके साथ खड़े हैं, और एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव एफिशिएंट पुलिसिंग हम जो है फाजिल का पुलिस जो है उस दायरे में रह के उसमें काम करेगी।